Hello everyone. So guys, are you preparing for a PhD entrance exam? If yes, then इस वीडियो को जरूर सुनिएगा क्योंकि अभी हम मैं आपको जरा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहती हूँ। अब जब भी हम बात करते हैं PhD एंट्रेंस की, मैक्सिमम क्वेश्चन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। सो ओवरऑल आपको क्या क्या कंसेप्ट्स हैं जो आपके प्रॉपर टिप्स पे होने जरूरी हैं, क्योंकि ज्यादा कवरेज हमारा रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ने कर रखा है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ इग्नू या एनी एंट्रेंस, याद रखना सबसे पहले जितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, ओके, यू डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवर्निंग, मॉडरेटिंग, ऑल द वेरिएबल्स ये आपके टिप्स पे हों कि इनका मीनिंग क्या है। सेकेंड चीज, रिलायबिलिटी। आजकल बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट चला है कि हाउ टू चेक द रिलायबिलिटी। उसके लिए आपको प्रेफर करना है क्रॉनबैक अल्फा। ओके, सो क्रॉनबैक अल्फा बेसिकली एक रिलायबिलिटी टेस्ट हम यूज करते हैं ज्यादातर अपनी रिसर्च में। सो क्रॉनबैक अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज अ फॉर्मूला, और ये हमें कैसे बताता है कि रिलायबिलिटी एक्सट्री एक्सीलेंट है, रिलायबिलिटी पुअर है, या कंसिस्टेंसी ज्यादा है या कम है। सो क्रॉनबैक अल्फा इज अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स की। सो सैम्पलिंग टेक्निक्स में 101% 3 से 4 क्वेश्चंस हमें सिर्फ मिलते ही मिलते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं। सो व्हाट इज अ टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली आपको स्टाटास, कोटा एंड क्लस्टर, इन तीनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है। इसी के साथ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है जी, इंटरवल एंड रेशो, ये 4 मेजरमेंट स्केल्स हैं। इनको कैसे हम डिपिक्ट करते हैं, आपको एग्जाम्पल बेसिस पे पूछे जाते हैं। अगर आपका एज है, एज को हम किस स्केल में मेजर करेंगे, जेंडर है किस एज में मेजर करेंगे, किस स्केल में मेजर करेंगे, राइट? सो ऐसे करके आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो एक आता है हाइपोथेसिस की प्रोसेस। जे हाइपोथेसिस की प्रोसेस एंड टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको जस्ट घुमा के पूछ लेते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, ठीक है जी। सो यही एक आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही थी। आई होप कि आप इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बाकी डोंट वरी, 24 फेब आपका एग्जाम है, उससे पहले मैं इन सारे कंसेप्ट आपके लिए अपलोड जरूर करूंगी ताकि इन कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन आए, आप विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना डरे, आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आपको इन कमिंग डेज में किस कंसेप्ट में आपको वीक लग रहा है, उसी कंसेप्ट के ऊपर आपके लिए जरूर वीडियो आएगी। ऑल द बेस्ट।